यहाँ हनुमान लला अपनी पूंछ की सहायता से माँ के साथ खूब टिटोली करते हैं। हनुमान लला की इन टिटोलियों से अपरिचित अंजना व्यथित हो जाती है और अंत में केसरी और हनुमान लला को पकड़ लेती है और उनसे रुष्ट हो जाती है। हनुमान लला और केसरी अंजना को मनाने का प्रयत्न करते हैं। अब कभी भी भविष्य में जानबूझकर हम दोनों ऐसी भूल नहीं करेंगे। एक माँ अपने पुत्र से और परिवार से कब तक रुष्ट रह सकती है? पर पुत्र स्मरण रहे, ठिठोली सीमा में रहकर की जाए तो आनंद ही आनंद है, पर यदि उस ठिठोली की सीमा टूट जाती है तो यही ठिठोली ढीठता बन जाती है, अशिष्टता बन जाती है और वो किसी को भी रुष्ट करने का कारण बन सकती है। इसीलिए धमाल, मस्ती, ठिठोली सब अपनी सीमा में ही अच्छी लगती है। अपने आनंदमय पारिवारिक जीवन में अंजना और केसरी अब भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके पुत्र पर कौन कौन से शत्रुओं की दृष्टि है। एक और वृक्षासुर की दृष्टि नन्हे मारुति पर तो थी ही, दूसरी ओर वाली किसी भी परिस्थिति में मारुति को वृक्षासुर तक पहुंचाने की योजना को साकार करना चाहता था, पर निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी वाली को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो कैसे मारुति को वृक्षासुर के निकट ले आए। और अचानक एक दिन, वाह महानतम, अब तो वृक्षासुर रूपी अचूक अंटकमय साधन तुम्हारे हाथ लग गया है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस मरकट की अंतिम बेला निकट आ चुकी है, पर अब तो उसे समाप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। किंतु एक समस्या है, वृक्षासुर रूपी अंटकमय साधन को उस मरकट तक ले जाऊं कैसे? मुझे तो उस मरकट को ही वृक्षासुर तक पहुंचाना होगा। यू अचानक कहां जा रहे भैया? रुको तो। रोको नहीं, और मुझे तुम रोक सकते भी नहीं। मैं जिस ओर जा रहा हूं वहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है।
भैया अचानक कहां दृश्य हो गए? समय असमय पर मूर्ख को मूर्ख बनाने में ही आनंद है। हे मुरली मनोहर, वाली कब तक मारुति की जीवन लीला समाप्त करने की योजना बनाता रहेगा? व्यक्ति को जब तक उचित मार्गदर्शन और दिशा नहीं मिलती, तब तक वो भटकता ही रहता है। और इसके लिए उसे अपने अभिभावक और तत्वदर्शी गुरुजनों की शरण में जाना ही पड़ता है। वाली भी भटकता ही रहेगा। प्रभु, किंतु वाली मारुति को वृक्षासुर के निकट कैसे लेकर जाएगा? इसी अनुसंधान में तो वाली मारुति के आसपास नित्य दृष्टि लगाए विचरण करता रहता था। अद्भुत वाह नील, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आओ आओ, चलो कुश्ती कर। वाह, पत्थर गुलाटी, ये क्या होता है? इसे पत्थर गुलाटी का खेल कहते हैं। वो एक चपटे पत्थर के टुकड़े के साथ खेला जाता है। इसी चपटे पत्थर के टुकड़े को झील की जल सतह पर इस तरह प्रक्षापित किया जाता है कि वह जल में डूबने से पहले कई बार उछलता हुआ दूर तक चला जाए। मुझे थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा, वरना वो मायावी मरकट अपनी उबाऊ आचाल प्रवृत्ति से सताता रहेगा और यहाँ तक आकर भी
मैं कोई युक्ति नहीं निकाल पाऊंगा। अब क्या करूं? हर तरह से प्रयास कर लिया, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। वैसे भी ये हर किसी के वश की बात नहीं होती। मित्र सुषेण, अभ्यास करो अभ्यास। अब देखना कैसे मेरा पत्थर तुम सब से दूर जाता है। अच्छा, तो वो पत्थर गुलाटी खेल रहा है। हे! वाह नल, वाह! बालक हो तुम अभी, पहले मुझसे ज्ञान लो। यदि तुम्हारा पत्थर झील में डूब गया तो शोक मत मनाना, समझ गए? बालक नहीं, माया भी बालक है ये मरकट। क्या हुआ आर्य पुत्र, आप इतने असमंजस में क्यों हैं? हाँ प्रिय, मेरे असमंजस का कारण ये वृक्षासुर है। रह रहकर ये अधिक अधीर और भयावह होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी अनैतिक और अनर्थकारी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। स्वामी, उसकी ये अनैतिक और अनर्थकारी गतिविधियां हमारे लिए किसी भय का संकेत तो नहीं? नहीं प्रिय। भागो, यहाँ ना ही कोई नई क्रीड़ा है, ना ही उसका कोई नया नियम। भागो। केसरी पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस न कर। वैसे भी वर्षों से मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। जब तक मैं अपने पिता के हथियारे केसरी के पुत्र मारुति का भक्षण कर उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि राक्षस वृक्षासुर का और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मरकट मारुति।